तो हेलो है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक लाइट है, ये एक बढ़िया सी, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये काफ़ी फ्लैश है। और दोस्तों देख सकते हैं ये वाइट कलर की है और इधर तरफ पैनल्स लेके मैं इसे आज फुल तरीके से ओपन करके दिखाऊंगा। ये इसका बैक साइड है दोस्तों, देख सकते हैं, और यहाँ कुछ वायर्स निकले हुए। तो चलिए आइए और अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप ही के लिए करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए मैं इसे अब ओपन करूँगा तो वीडियो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो रोक देता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ खोल। तो ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ रह गया है। ये देखिए पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, ये देखिए कितनी भारी तरीके की ये लगा दी गई है। और यहाँ अंदर की तरफ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, इंसर्टेड एक वायर है ये देख सकते हैं, कुछ वायर्स है ही नहीं। और यहाँ पर ये फंसा हुआ है इस लॉक के कारण, तो अब इसे शायद खोलूँगा तो ये खुल जाएगी। एक मिनट में आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पर एक नट्स है दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू है, मैं अब इस स्क्रू को दोस्तों ओपन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देखते रहिएगा, मैं इस स्क्रू को ओपन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से मैंने इसे ओपन कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब शायद ये निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं अब इसे रोटेट करके नचा करके दोस्तों निकाल दूँगा। ओके दोस्तों, ये देख सकते हैं अब ये शायद नच के निकलेगी। ओके दोस्तों, क्योंकि ये एक स्लीव जहाँ स्क्रू रहती है वहाँ पर अड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कितनी टाइट से बांध दी गई है, यहाँ से ये ओपन ही नहीं हो पा रही, ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, ये इससे ओपन हो जाएगा, कोई बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको जैसे ही मैंने निकाला, देख सकते हैं दोस्तों ऐसे निकल गई। और अब ये लाइट देखिए, अब ये कैसी लग रही है, कितनी बेकार थी दोस्तों। ये लाइट है दोस्तों, ये इसकी है। और अब इसकी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ इसे ओपन करके, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, मैं इसे अभी आपको ओपन करके दिखलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ, इसकी स्क्रू कहीं दिख नहीं रही दोस्तों, जो पता नहीं कैसे ओपन होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ओपन करके तो ज़रूर ही दिखाऊंगा इस वीडियोस में। ये ओपन ही नहीं हो पा रही है, ठीक है दोस्तों। अब रुकिए एक मिनट, जरा मैं दूसरे हाथ से ओपन करके दिखाऊं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी बढ़िया ये ओपन होगी। अब मैं आपको और भी ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे। देखिए दोस्तों, मैं आपको ओपन आज करके ही दिखा ही देता हूँ, आज मैं फाइनली इसे ओपन करूँगा आपके लिए। मैं आपको इसे ओपन करके आज दिखा ही देता हूँ, तो आप भी काफ़ी ध्यान से देख ही लें। और उसकी मैं पैरेलल और सीरीज कनेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो पैरेलल क्या है या फिर सीरीज है, वो आज आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वैसा होता रहता है दोस्तों, थोड़ा बहुत उखड़ जाएगा। ये यहाँ से लग रहा है जैसे टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। और ये यहाँ पर गुना जो था, इसमें तो गुना रह गई, यहाँ इसकी गुना उखड़ गई है, इसकी गुना उखड़ गई। कोई बात नहीं दोस्तों, गुना थी गुना। और ये देख सकते हैं दोस्तों, क्या एक बढ़िया है हमारे पास। इसकी मैं पीछे से बैक स्लिप दिखा, देखिए दोस्तों इसकी बैक स्लिप में कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इस होल में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीन तरीके की दिख रही है। एक आपको यहाँ रेड दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, रेड दिख रही है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव, ये एल प्लस यानी कि एलईडी की प्लस है। और ये जो छोटे छोटे आपको सेंसर दिख रहे हैं दोस्तों, ये इन्हें काफ़ी वोल्टेज को ड्रॉप करने के लगाए हैं, ये वोल्टेज को ड्रॉप करने। और यहाँ देख सकते हैं किसी भी बल्ब में,
किसी भी बल्ब में आपको देख सकते हैं, यहाँ यहाँ एक तरफ पीला दिख रहा है और एक तरफ बेसिक डिफेंस दिख रहा है, फिर यहाँ देखिए बेसिक डिफेंस दिख रहा है, यहाँ थोड़ा हल्का पीला दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए दोस्तों, जो जो पे ये डार्क दिख रहा है, जो जो डार्क है वो ख़राब हो चुकी है बल्ब, वो बल्ब डिफ्यूज़ हो जाएगा हाई वोल्टेज के कारण हो या ज़्यादा चल चुकी, इसलिए वैसे जो जो ये सब नॉर्मली जलेगी। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल के लिए। और यहाँ देख सकते हैं एल टू यानी कि एल माइनस, ये एल ई डी का माइनस है, ये प्लस पॉजिटिव, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, तो दो प्रोब निकलेंगे। दैट मीन्स यहाँ आप देख सकते हैं बैक में ये दो निकली हुई है, एक यहाँ पे माइनस के लिए और एक यहाँ पे दोस्तों प्लस के लिए, तो हम जिसपे दें। और फिलहाल मैं अब इसे बंद करूँगा, इसे इसको ड्रॉप करने के लिए किया गया था, ठीक है दोस्तों। और ये देख सकते हैं ये इसे कवर है, ये क्रैक भी हो चुकी है कहीं पर, तो क्रैक तो खैर मिलती नहीं, और फिर भी मैं इसे अब लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे बंद होगी, इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये ऐसे बंद हो गए, ऐसे बंद हो गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये था, ये हमारा था, इसका कनेक्शन आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना। तो कुछ ऐसा, इसको ऐसे करना है दोस्तों, ये ऐसे यहाँ गया, ऐसे कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, ऐसे कनेक्शन हो जाने के बाद यहाँ से माइनस की वायर भी निकल गई, माइनस को खींचता हूँ, माइनस निकल गई। अब ऐसे जाने के बाद दोस्तों, ऐसे जब चला गया हमारे अंदर, तो अब हमें ये देखना पहले कि इस वायरों को हमें साइड कर लेना है। वायर को साइड कर लेने के बाद ये ज़्यादा इंटरनली है या क्या, हम उससे ज़्यादा समझने के बाद जैसे कि हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मैं ज़रा इस वायर्स को बाहर निकाल ही लूँ। ओह, कैसे ये वायर फंस गई दोस्तों, ये ऐसे निकलेगा, एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ से निकल चुका है, उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों हाँ, यहाँ ये जब इस पर आ जाए, तो यहाँ पे जो एक स्क्रू है दोस्तों, इस स्क्रू को आप ऐसे कस सकते हैं, स्क्रू को आप ऐसे कस सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे आपको स्क्रू को कस के दिखा रहे हैं ताकि ये पकड़ ले। नहीं होता है तो बड़ा स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर को चेंज भी कर सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से अब ये टाइट होने लगा है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये टाइट हो रहा है, टाइट कर दिया मैंने। टाइट हो जाने के बाद अब जो इसकी बैक की तरफ जो थे यहाँ पर कुछ ऐसा बैक की तरफ यहाँ पर हाँ दोस्तों, तो अब इसे बंद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसे बंद करते हैं अच्छे तरीके से। और इसके अगर मान लीजिए दो वायर अगर एक्सटर्नल निकाल लें या किसी चीज़ से चलाने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से इस पोर्ट से निकाल ले सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं निकल जाएगी दोस्तों। एक प्लस की तो निकल गई, और ये जो हमेशा थी निगेटिव की, और वो तो एक कॉमन वायर थी दोस्तों, जो तो उसकी तो खैर यूज ही नहीं है, यूजलेस है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये देख सकते हैं ये दो वायर्स हो गई दोस्तों, यहाँ निकल गई। और अब इसकी जो बैक कवर थी हमारे पास, ये बैक है इसकी, ये बैक काफ़ी बढ़िया, तो इस बैक को अब हम ऐसे लगा देंगे। ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे इसके बैक की तरफ पता नहीं क्यों नहीं लग रही है, ये शायद ऐसे लगेगी, ये ऐसे सेट ही नहीं हो पा रही है दोस्तों। फिर भी मैं आपको आज बता ही देता हूँ ये क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद पीछे की तरफ ऐसे आके लपटा के दोस्तों, लपटा जाएगी, लपटा जाएगी, और ऐसे लपटा जाएगी दोस्तों। और उसके बाद इसके स्क्रू को कस देना। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद दोस्तों।